दोस्तों, गैरेट का पूरा स्टॉक आ गया है और जिनकी बुकिंग है उनको एपेक्स जा रहा है। उसके बाद बहुत सारी गैरेट की नई मशीनें हैं और एंट्री लेवल में जो जो है उनके लिए अभी ये आगे सिंप्लेक्स का पूरा डिटेल वीडियो है, जिसमें इक्विनॉक्स 600 के साथ कंपैरिजन दिया है। इक्विनॉक्स 600 1 लाख रुपये कीमत है और सिंप्लेक्स प्लस का सिर्फ 40,000 रुपये कीमत है, वायरलेस हेडफोन के साथ 45,000 रुपीज़ कीमत है। तो इन दोनों में इतनी बड़ी 60,000 रुपये का डिफरेंस होने के बावजूद सिंप्लेक्स का परफॉर्मेंस इक्विनॉक्स से भी बेहतर है उतना, और उसका यूज़र फ्रेंडली भी है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि सामने आपको डेमो दे रहा हूँ, उसके बाद में आखिर में वीडियो के आखिर में बड़ी सी चीज़ के ऊपर एक डेप्थ का टेस्ट दिया है, जो 5 सवा 5 फीट का जो डेप्थ दे रही है। जैसे मुझे बहुत सारे कस्टमरों में हमारे बोला कि हमको डेप्थ होना, डेप्थ होना, तो ये आपके लिए डेप्थ में एंड में सबसे एंड में दिया गया है, वो आप देख लेना। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे बाकी भी वीडियो पूरे देख लेना, जिसमें डिटेल नॉलेज दिया गया है, उससे आप कहीं भी फंसोगे नहीं, बहुत सारा नॉलेज दिया गया है। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आगे जो आने वाले वीडियो है वो भी आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए और आपको बहुत सारे बेनिफिट हो, जिससे हमको गोल्ड डस्ट डिटेक्टर को खुशी होगी। तो देखते हैं आगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जैन, गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई महाराष्ट्र से। और आज का जो अपना वीडियो है, जैसा कि मैं बोलता था कि सिंप्लेक्स लेनी चाहिए, फिर नोक्टा मैक्रो में क्यों जाना चाहिए, क्या चाहिए, तो आज मैं एक डेमो बना रहा हूँ माइंडलैब इक्विनॉक्स 600, जो 1 लाख रुपए की, और 800 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी फील्ड के लिए वो नगेट के लिए ज़्यादा मोड होते हैं 800 में, तो वो माइंडलैब इक्विनॉक्स 600 और नोक्टा मैक्रो सिंप्लेक्स। अब इन दोनों का मेरे पास नोक्टा इम्पैक्ट भी है, नोक्टा इम्पैक्ट का बड़ा कॉइल भी है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये है कॉइल, आपको कंपेरिजन में दिख जाएगा ये, ये देखो कितना बड़ा कॉइल है, वो सब कॉइल से कितना बड़ा है, देखो ये सिंप्लेक्स, ये इक्विनॉक्स। अगर यही कॉइल हम माइंड लैब का लेने जाएंगे तो 15 बाय 12 का आता है, तो उसकी कीमत है कुछ 35,000 के आसपास है, लेकिन यही इम्पैक्ट का कॉइल 17.5x15 इंच का वाला कॉइल है और इसकी कीमत है 25,000 रुपये के आसपास, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 20 से 25,000 के अंदर इसका कीमत होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोक्टा मैक्रो और गैरेट, गैरेट का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, नोक्टा मैक्रो ज़्यादा डेप्थ के लिए बना है, हमारे एशिया में ज़्यादा डेप्थ चाहिए, 160 से ऊपर कंट्री है, तो स्पेशली इंडिया के लिए अमेरिकन कंपनी ज़्यादा ध्यान देती है। गैरेट पुरानी कंपनी, उनका ATX और बड़ी सीरीज जो है GTI 2500, जो ईगल आई कॉइल के साथ आता है बड़ा वाला वो, और वो बड़ी बड़ी में आता है, फिर 80 मैक्स, लेकिन बाकी चीज़ों में अभी माइंड लैब में है CTX 3030 11 इंच की कॉइल के साथ में, उसका कीमत लगभग 3 लाख रुपये के आसपास जाता है वो, और वही वो CTX है और ये इम्पैक्ट है, ये भी मल्टी फ्रिक्वेंसी है, ये भी मल्टी फ्रिक्वेंसी है, ये इम्पैक्ट हमको 75,000 रुपये में इम्पैक्ट आती है हमको, और बड़ी कॉइल के साथ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 लाख रुपये के आसपास आपको मिलती है इम्पैक्ट, लेकिन वही हम लोग अगर बड़ी कॉइल के साथ अगर इक्विनॉक्स लेने जाएंगे तो 1,35,000 रुपया 600 का होता है, आप उसका रेट निकाल लेना, और अगर ये 800 लेंगे, इक्विनॉक्स 800 लेंगे तो उसका कीमत जाता है लगभग 1,20 से 1,25 कीमत है उसका, और उसमें 35,000 और जोड़ दीजिए, सेम कॉइल है दोनों में 600 800 में, तो ये उसमें इतना आपको 1.5 लाख रुपये देना है या फिर 1 लाख रुपये में आपका काम, उससे भी 1.5 इंच ज़्यादा बड़ी कॉइल आएगी। तो आज जो हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं वो इक्विनॉक्स 600 और नोक्टा मैक्रो सिंप्लेक्स, ये 40,000 की मशीन है और 1 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है। तो आज ये कंपैरिजन हम लोग देखेंगे कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं ये मशीन ले रहा हूँ वो मशीन ले रहा हूँ, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। इस जगह पे देखिए, नीचे इस जगह पे जो दिख रहा है आपको, ये जो थाली है ये लगभग अभी ये 2.5 फीट पे है, 2.5 पौने 3 फीट पे होगा, और इसको कितना ऊपर से दिखा सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा देर मैं ये मशीन साइड में रखता हूँ, और उसके अलावा आज थोड़ा सा काम ये होगा कि जो ये पिन पॉइंटर होता है, देखिए ये नोक्टा का पिन पॉइंटर है, VLF पिन पॉइंटर है, और ये पल्स डाइव, ये 200 फीट समुद्र के अंदर चलता है, पीछे ही समुद्र है तो 200 फीट पानी में अंदर चल सकता है ये, और ये VLF है, भले नोक्टा का हो, VLF मशीन का मतलब ज़्यादातर समुद्र के पानी में नहीं चलता, हाई मिनरलाइज में नहीं चलता है। तो ये देखो, ये जो मट्टी दिख रही है आपको, ये भी समुद्र का ही मट्टी है, तो मतलब ये जो मट्टी है ये हाई मिनरलाइज है, ये जो जगह है ये समुद्र को लग के पीछे, देखिए आप मेरे बैक साइड में देखिए, वो देखिए समुद्र दिख रहा है पीछे, देखो वो पीछे पूरा समुद्र है, और ये पूरा जो मिट्टी है ये हाई मिनरलाइज है। तो हम लोग टेस्ट भी ऐसी जगह पे कर रहे हैं कि जहाँ पे मतलब उसको मशीन को प्रूव करना होगा तो ही आप उस मशीन को लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपका नुकसान करने की, पैसे का नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्ड डस्ट डिटेक्टर हमेशा सच्ची बातें, क्लियर क्लियर बातें बताता आ रहा है, आप हमारे बाकी भी वीडियो देख सकते हैं, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं बाद में एक अंगूठी का डेमो दिखा दूँगा या फिर अभी दिखा दूँ। ये है गोल्ड रिंग है, एक दूसरा भी रिंग है, ये मैंने देखो नीचे देखिए ये मैंने डाल दिया,
और नॉर्मल सा मट्टी भी डाला, देखो ये गोल्ड का कमाल है, गोल्ड कभी भी दिखता ही नहीं, थोड़ा भी मट्टी में अगर गिर जाए तो दिखेगा नहीं गोल्ड। अब ये तो चला गया, अब ये चला गया, ढूंढेगा तो ये भी और ये भी, ये दोनों चीज़ें ढूंढेगी इसको। ये देखो मैंने उसमें मिक्स कर दिया, अब मुझे मालूम है इस तरफ ही कहीं पे है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये VLF पिन पॉइंटर है, ये देखो ये VLF पिन पॉइंटर है, और यही देखो आप, मैं इसको अब मैंने पूरा मिक्स कर दिया, ये देखो वापस दिख गया, मैं इसको वापस छुपा था, वो मेरे पास में आ ही रही है, बार बार मेरे पास आ रही हो। अब मैं फिर भी देखो, अब इस मशीन में इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, समुद्र में भी नीचे तक चलता है ये, तो इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है और सेंसिटिविटी होती है इसमें। ये देखो आवाज़ चला गया इसका, देखो अभी पिन पॉइंट है, अभी यहाँ पे कुछ आवाज़ कर रहा है वो, ये देखिए अभी ये थोड़ा मैंने, अभी इसका आवाज़ इतना कम क्यों आ रहा है, तो ये एक्चुअली समुंदर के पानी में अभी चलाने के लिए लिया था मैंने, इसका जो पूरा पैक आता है पीछे देखो, ये पूरा के पूरा इस तरह से आता है वो, इस तरह से आवाज़ करता है ये, मैं उसको लगा लेता हूँ वापस। दूसरा वाला है वो इतने ज़ोरदार आवाज़ करता है, उसमें पीछे होल आते, तो ये तो हो गया, इसको बंद करता हूँ मैं, ये बंद हो गया, इसको हाथ में पहन लेते। अभी हम लोग करेंगे पहले इक्विनॉक्स को चलाएंगे। अब आपको इसमें देखना है, एक वीडियो किसी ने बनाया था जिसमें इम्पैक्ट को लिया था, मुल्ला नसरुद्दीन जिसको कहा जाता है, उसमें इम्पैक्ट को दिखाया था कि बहुत ऊपर से दिखाती है, कम दिखाती है, दूसरी मशीन दिखाती है, तो सेटिंग में बहुत सारे फेरबदल होते हैं उसमें। तो सच्चाई इस तरह से, ये 100,000 रुपये की इक्विनॉक्स 600 अभी मैंने ऑन किया इसको, हमको नीचे की जो थाली है वो दिखाने वाली है हम लोग, ठीक है। अभी मैंने इसको 4 kHz मतलब ज़्यादा डेप्थ के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं, 4 kHz माइंडलैब की मशीन है ये, ऑटो पूरा चलता है ये देखिए। अब मैं इसको इस ऑन है, देखो ऑन है ये देखिए, ये देखिए 4 kHz पे ऑपरेटिंग है, देखिए 4 kHz है, बस लास्ट इतने में थक गई लगभग, ये ऊपर 1.25 फीट का ऊपर होगा ये, ठीक है दोस्तों। ये रहा इक्विनॉक्स का मामला, अब यही काम हम देखेंगे, हम लोग इसमें ऊपर कितना काम कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, अभी ये इसका इसका आवाज़ कर रहा है, ये फावड़े का आवाज़ कर रहा है, उसको मैं दूर रखता हूँ, बस लास्ट लगभग ये वो 2.25 फीट और ये 1.25 फीट मतलब 1.75 फीट के आसपास ये इसको दिखा रहा है, ठीक है। ये 100,000 रुपये की मशीन हुई, इसको मैं अभी बंद करता हूँ और अभी हमने लिया सिंप्लेक्स प्लस, अभी 40,000 की मशीन क्या काम करती है, मैंने इसको ऑन किया, देखो सिंप्लेक्स प्लस लिख के आ गया, ठीक है ये ऑन हो गया। लेकिन अभी इसका ग्राउंड बैलेंस करने के लिए देखिए, मैं देखो ये आया, ये सेकंड में ग्राउंड बैलेंस, अब मैं इसको ये बटन दबा के बस 81 सामने दिख रहा है, ये भी फुल्ली वाटरप्रूफ है, वो भी फुल्ली वाटरप्रूफ है, लेकिन पैसे का फ़र्क है, वो 60,000 रुपये इससे महंगा है। इसके पीछे LED टॉर्च लाइट आता है, इसमें वाइब्रेट मोड है, उसमें कुछ नहीं आता, इसमें हम लोग डिस्प्ले का जो लाइट है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें डिस्प्ले का लाइट कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये देखिए 2.5 फीट का ऊपर, ये 3 फीट हो गया, इक्विनॉक्स भी इतना ही पकड़ रही थी, ये और थोड़ी ऊपर दिखा रही है, देखो दोस्तों अब नहीं आवाज़ आ रहा है, ये देखो ये ऊपर नहीं आ रहा है, इतने में आ रहा है, आता इकड़न जवन दाखो खड्डा आनी मशीन वरुण दाखो, देखिए दोस्तों कितना ऊपर होगा, ये सेम इतना ही है, ये देखिए ये मेरे घुटने के पास, देखिए ये मेरे घुटने के पास मतलब ज़मीन से मेरे घुटने के पास दिखा रहा है वो, हाँ वो लगभग 7-8 इंच का प्लेट है वो,
इसको मैं बंद करता हूँ। अभी बात ऐसी है कि इम्पैक्ट का मैं सेल बैटरी लाना भूल गया। एक्चुअली इम्पैक्ट का इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि इम्पैक्ट फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट का मैं सेल भूल गया। पीछे यहाँ पे सेल आते, बैटरी जाती है चार, वो मैं चार्जिंग पे लगाया था लेकिन लेना भूल गया, और ये मैंने चार्जिंग कर लिया था सुबह में। ये दोनों में अंतर है। अभी ये इतना दिखा रहा था, अब वापस मैं इक्विनॉक्स का दिखाता हूँ आपको। इक्विनॉक्स को स्टार्ट करते अभी वो पिन पॉइंटर लॉस अलार्म दे रहा है, मतलब अगर हमने अगर 5-10 मिनट तक उसको हाथ नहीं लगाया तो उसका लॉस्ट अलार्म चालू होता है। वो आवाज़ कर रहा है, देखिए कंटिन्यू आवाज़ कर रहा है। अभी ये देखिए 4 किलोवाट्स पे, अभी और आगे करता हूँ। अभी मैं मल्टी पे लेता हूँ, मतलब इसमें चारों फ्रीक्वेंसी एक साथ चलेगी। ये देखिए मेरा घुटना, देखिए मैं और नीचे लेता हूँ, देखिए अभी ये मेरा पिन पॉइंटर का आवाज़ कर रहा है, मैं इसको हटा लेता हूँ। देखिए घुटने के आसपास ही दिखा रहा है, तो अगर वो सेम इतना ही अगर दिखा रहा है तो 40,000 में हमारा क्या बुरा हो रहा है उसमें। 40,000 में हमारा सिंप्लेक्स भी काम कर रहा है, ये भी हाई मिनरलाइज जगह है। ये देखो ये पूरा समुंदर का रेत है, देखिए तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसका अगर बोला जाता है कि ये समुंदर पे भी काम करता है तो वो भी समुंदर में काम करती है, उसको तो वीडियो है, बाहर देश की अपनी वीडियो है। और इसका ये देखिए, इसका मैंने सेंसिटिविटी देखिए कितना रखा है, फुल सेंसिटिविटी 25 का आता है इसमें, 25 फुल सेंसिटिविटी मैंने इसका रखा हुआ है। तो मतलब मैंने कोई इसमें बनावट नहीं किया। ये देखो ये लास्ट इसके ऊपर नहीं जा रहा, बस। तो सिंप्लेक्स क्या ख़राब है फिर इसे। ये रही माइंड लैब की सच्चाई। मैंने सिंप्लेक्स का मेरे ख्याल से सेटिंग मैंने एक से कम रखा था, क्योंकि ऑटो मतलब डायरेक्ट मोड पे सिंप्लेक्स में क्या होता है सेंसिटिविटी एक से कम हो जाती है। मैं अभी ऑन करता हूँ, फिर से एक बार ट्राई करेंगे हम लोग। ऊपर नारियल के पेड़ दोस्तों, वो दिख रहे हैं हमको इसमें। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं अभी ग्राउंड बैलेंस के लिए करता हूँ। ये 2 नंबर पे आया, अभी ये जो पिन पॉइंट रही अपना आवाज़ कब बंद करेगा, देखिए अब वो बंद हो गया। अब वापस अगर 5 मिनट बाद उसको हाथ नहीं लगाएंगे तो लॉस अलार्म चालू कर देगा। अभी इसको देखेंगे, ये देखिए मैंने देखो ऑटोमेटिक में सेंसिटिविटी कम आता है। देखो अब मैं ये पूरा सेंसिटिविटी बढ़ाता हूँ, ये फुल सेंसिटिविटी हो गया। और ये रहा मेरा घुटना, ये मेरा घुटना, ये देखिए इतना ही दिखा रहा था इक्विनॉक्स। देखिए इतना ही दिखा रहा है, तो 1,00,000 रुपये का मशीन जितना दिखा रहा है उतना ही सिंप्लेक्स दिखा रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट अगर पुराना होता और कम मिनरल जगह में होता तो और दूर से दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मट्टी को गाड़ के, इसको जो नीचे ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग गाड़ के हम लोग देखेंगे। अब वो मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि आज कोई मुझे आदमी मिला नहीं काम करने के लिए। देखो दोस्तों, मैंने ये अभी जो पाइप है मेरा स्कूप का, वो मैंने नीचे रखा है ये एक साइड में, और यहाँ से लेके ऐसा इस तरह से मैंने सीधा कर लिया। तो ये इतना डेप्थ में है, ये देखिए 1 फीट 2 फीट, ये 2.25 फीट नीचे है, ठीक है। और 2.25 फीट के ऊपर मेरे घुटने के इतना उसने दिखाया था, तो मैं वो वापस नॉर्मल खड़ा रहता हूँ। तो ये घुटना और यहाँ तक सिंप्लेक्स ने दिखा दिया था, मतलब ये लगभग देखो एक इधर तक, 1, 2 और 3, मतलब ये लगभग 4-4.25 फीट से सिंप्लेक्स ने इस थाली को दिखाया था। अब लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहोगे कि इसको बरिड करके मट्टी डाल के हमको चेक करना, क्योंकि हाई मिनरलाइज सॉइल है पूरा, तो इसमें ये कैसा नमक वाली मट्टी है ये, तो इसमें कैसा, अगर इसमें अगर रिजल्ट दे दिया तो आपके यहाँ पे बाकी हिंदुस्तान की मट्टी में ये बहुत बढ़िया से काम करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा नीचे दिखाओ, और मैं ये अभी, ये देखो मैं अभी इसके ऊपर मट्टी डाल रहा हूँ, ये देखो, मतलब इसमें मैंने कुछ दूसरा रखा नहीं, सिर्फ मट्टी है और वो थाली है। अब मुझे निकालने को तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई आदमी साथ में रहता था, आज थोड़ा यहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी रहती लोगों को इसके लिए। तो मैं अभी इसको इतना ही गाड़ता हूँ, ये देखो मैंने मट्टी तो पूरी लगा डाली इसमें,
अब ये है फ्रेश मटेरियल, अगर कोई पुराना मेटल होता तो और दूर से दिखा था। अब ये देखो इतना दिखा दिया मैंने, लगभग मतलब ये डेढ़ फीट के आसपास मैंने इसको गाड़ दिया है, ठीक है। और मैं माइक लाना भूल गया दोस्तों, इसके लिए जितनी भी आवाज़ आती है उसमें आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ, जैसा भी वीडियो बना सीधा काम की बात डालते हैं। बाकी उसमें मैंने गाने भी, उसमें बैकग्राउंड के म्यूज़िक भी बंद कर दिया। अब मैं इसी इक्विनॉक्स को आपको, क्योंकि कोई बोलेगा कि आपने ग्राउंड बैलेंस नहीं किया, तो मैं आपको ग्राउंड बैलेंस करके दिखाता हूँ उसको। ये इसका नॉइज कंट्रोल, ये है ग्राउंड बैलेंस। अभी इसको दबाया, दोस्तों देखो मैं अभी इसका इक्विनॉक्स का ग्राउंड बैलेंस, एक्चुअली इसमें कैसा होता है मल्टी फ्रिक्वेंसी में चला रहा हूँ, मतलब तीन चार फ्रिक्वेंसी एक साथ चलेगी, और मैं इसमें ना नॉइज़ कैंसिल आता है, मतलब ये देखो मैं अभी इसको, इसमें साइड का सब आवाज़ को ये कर देगी, निगलेक्ट कर देगी, पिन पॉइंटर पीछे से चिल्ला रहा है, देखिए ठीक है। अब मैं इसको, अभी ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट, मल्टी फ्रिक्वेंसी भी कर रहा हूँ, मतलब इसमें चार फ्रिक्वेंसी, अब चार फ्रिक्वेंसी चलेगी तो अच्छा दिखना चाहिए ना, 1,00,000 रुपये का मशीन देखते क्या करता है। अब इसमें मैंने इसका सेंसिटिविटी देखो आप, ये देखो 25 इसका लास्ट है, इसके ऊपर नहीं जाता है, देखो 25 लास्ट इसका सेंसिटिविटी। अभी देखो मैं, देखो ये मेरा घुटना देखो पर दोस्तों, वापस बस लास्ट, ये इसकी लास्ट डेप्थ है, यही अगर इंपैक्ट रहती तो और ऊंचा दिखा देती। इंपैक्ट का मेरा वीडियो है उसमें देखो, वो थाली भी छोटा था, ये थाली बड़ा है, ये एक्चुअल मेरा चैन के ऊपर आवाज़ कर रहा है या फिर मेरा इसके बटन के ऊपर। ये देखिए लास्ट इतना है मेरा घुटना, देख लीजिए आप इतना ही है उसका। अब मैं यही वीडियो सिंप्लेक्स के साथ फिर से दिखाऊंगा बरीड ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये दिखाया इतना मतलब लगभग 4.25 फीट दिखा रहा, 4 फीट के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। इसको ऑफ करते, ग्राउंड बैलेंस करता हूँ, ये सिंप्लेक्स प्लस है, 40,000 रुपये का मशीन। ये देखिए अभी गया, अभी इसको मैंने यहाँ पे रखा, अभी ये ग्राउंड बैलेंस हो रहा है इसको। इसमें एक्चुअली एक नॉइज़ कंट्रोल भी आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेंगे तो उसमें बाजू के जो एनवायरनमेंट का आवाज़ रहेंगे वो सब आना बंद होता है इसमें। देखो वैसे भी ग्राउंड बैलेंस के बाद भी आवाज़ होना बंद हो गया। मैंने इसका सेंसिटिविटी फुल रखा है, पहले मैं इसका सेंसिटिविटी 1 से कम करता हूँ, ठीक है। देखो 1 से सेंसिटिविटी, उसका तो फुल 25 रखा था, इसका हमने कम किया है। अभी हम लोग देखेंगे इस पर कि किस कितना, देखो अभी मेरे घुटने के आसपास का ही बात था, देखो मैंने उतना ही पैर रखा, यहाँ पे घुटना था, ठीक है। जो भी सच्चाई है जवान, देखो सिंप्लेक्स भी उतना ही दिखा रहा है, 40,000 का मशीन 1,00,000 से 1.25 लाख की मशीन की बराबरी कर रहा है। ये देखो मेरा घुटना ये रहा, यहाँ तो ऊपर दिखा रहा है, ये देखो और थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो बोलने का मतलब देखो ये इतना ही दिखा रहा है, इतना देखो और तुम पर इतना दिखा रहा है, और ये मेरा घुटना है, ये देखो सेम दोनों मशीन जा रही है, 1,00,000 रुपये की मशीन और 40,000 की मशीन, दोनों सेम जा रही है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ आपको, इसमें देखो एक क्या है पीछे, ऐसे आ जाओ, हाँ सावली पड़ गई थम बरा। अब इसमें देखो मैं पीछे LED टॉर्च चालू करता हूँ, अंदर का डिस्प्ले का एक्चुअल कैसा, थोड़ा डिस्प्ले दिख नहीं रहा है मुझे, चलो जी। ये देखो ये लाइट इसके जो पीछे है ये हमारा रात में बहुत सारा काम करती है, और इसमें दूसरा एक वाइब्रेट मोड है, अभी इसमें वाइब्रेट मोड भी शुरू है, इसमें वाइब्रेट भी होता है और दोनों दिखा रहा है उसमें, ठीक है। तो ये रहा सिंप्लेक्स, दूसरी इसकी बात है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सिंप्लेक्स है ये बहुत लाइट वेट मशीन है, ये देखो ये दोनों लाइट वेट मशीन है। अभी इन दोनों मशीनों को मैं फोल्ड करके दिखाता हूँ, सिंप्लेक्स क्यों अच्छा है, तो मशीन जोड़ने में बहुत टाइम जाता है या फिर कहीं अपने को जल्दबाजी में
थोड़ा दिक्कत होता है। ये रहा सिंप्लेक्स और ये भी पीछे आएगा थोड़ा सा, और ये देखो ये रही सिंप्लेक्स, ये रही सिंप्लेक्स और ये रहा इक्विनॉक्स। अभी इक्विनॉक्स को होल्ड करने के लिए उसका आखिरी सेटिंग है, ये देखिए ये सिंप्लेक्स का ये तो फिक्स सेटिंग है लेकिन ये उसका आखिरी सेटिंग है इक्विनॉक्स का, तो ये इससे छोटी नहीं होती, तो ये इसका ड्रॉबैक है। एक तो पीछे इसमें एलईडी लाइट नहीं आती, दोनों मशीनें वाटरप्रूफ है, दोनों मशीनें समुंदर में चलने के लिए, बाकी पानी में चलने के लिए 8-10 फीट तक डुबा सकते दोनों मशीनों को। उसमें टॉर्च एलईडी टॉर्च है, उसमें वाइब्रेट मोड है, इसमें नहीं आता है वो सब। इसमें फोल्ड करने का देखो, ये आपको इतना ओपन लिए मतलब आपको फोल्ड करके रख नहीं सकते हो, इसको एक बैग में भी रखोगे तो ये इतना सा भाग उसका ऊपर आ गया, छोटी सैक में रखोगे कॉमन सैक में तो इतना सा ऊपर आता है, बाकी सब नीचे रहेगा, तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपके पास मशीन है। लेकिन इसको रखने जाओगे किसी बैग में तो ये देखो, ये देखो कितना बड़ा है और ये देखो कितना छोटा है, ये है दोनों में फ़र्क। और नोकटा इम्पैक्ट की बात अलग है, ये अपने देश के लिए वरदान चीज़ है नोकटा इम्पैक्ट। आज मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ, इसके लिए देखो ये कॉइल आती है, देखो ये कॉइल नोकटा इम्पैक्ट की, इतना बढ़िया कॉइल आता है। अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे और ये देखो, ये देखो ये इक्विनॉक्स का छोटा कॉइल और ये बड़ा कॉइल इम्पैक्ट का, इतना डिफरेंस है दोस्तों। उसके अलावा अभी सिंप्लेक्स में छोटा कॉइल तो निकाला ही है कंपनी ने, अगर 40-50 हज़ार में हमको अगर ये मशीन मिलती है हेडफोन के साथ, इसका थोड़ा 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा कीमत है, विदाउट हेडफोन का मैं प्राइस बोल रहा हूँ आपको, लेकिन इसके साथ अगर बड़ा कॉइल हमको अगर 60-70 हज़ार में आता है, 60-65 हज़ार में आएगा, 25 हज़ार का अगर बड़ा कॉइल पकड़ेंगे, कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। तो देखो इतना बड़ा कॉइल, अगर 11 इंच का कॉइल आपको 4 फीट का डेप्थ दे रहा है, 4.25 फीट का डेप्थ दे रहा है, तो अगर बड़ा कॉइल लगाएंगे तो आपको कितना बड़ा डेप्थ देगा, इतना बड़ा कॉइल अगर इसको असेंबल कर दिया तो कितना बड़ा डेप्थ दिखाएगा। तो ये है इसका बेनिफिट, इसके लिए हर कोई जो बिगिनर है या फिर जो सीरियस ट्रेजर हंटर है वो भी इसको रखता है, ताकि इसमें दिवाली चेक होती है और बहुत सारी जगह पे हमको प्रॉब्लम नहीं आता है, बरसात में हमको यूज़ करने को काम में आता है, बाकी बहुत सारी मशीनें वो बरसात में यूज़ नहीं कर सकते, बाकी जो कंपनियां हैं उनकी भी इससे महंगी आती है लेकिन बरसात में यूज़ नहीं होता है। इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट को हम सिर्फ इतना तक पानी में डुबा सकते हैं, ऊपर का यूनिट नहीं डुबा सकते। दोस्तों हमने जो देखा वीडियो अंडरग्राउंड जो मट्टी में गाड़ के नोकटा मैक्रो सिंप्लेक्स का, इसका वीडियो और साथ में इक्विनॉक्स 600 का जो 1,00,000 रुपये की मशीन है और ये 40,000 की मशीन है, 40,000 की जो मशीन है उसका हम लोग ने कंपैरिजन दिखाया, तो उसमें लगभग सेम है, उल्टा नोकटा मैक्रो सिंप्लेक्स 4 उंगली ज़्यादा जाती है, मतलब 4-5 इंच ज़्यादा जाती है, ये अगर कोई पुराना मेटल होता या फिर बड़ा साइज में रहता तो ज़्यादा आता है, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे मेरे पास कुछ था नहीं और इसके लिए मैं अभी आपको इस थाली के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको नॉर्मली मैंने ट्राई करके देखा है तो 5 फीट तक दिखा रहा है ये, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये सब आउटसाइड में ऊपर सब मैं एक रूम के अंदर बना रहा हूँ, तो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से ये थोड़ा चैटरिंग करती, मतलब थोड़ा उसको इंटरफेरेंस हो रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का, उसके कारण वो क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी है उसका भी कुछ ना कुछ रिलीज होता ही है, तो दोनों का टकराने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ आता है इसका, तो इसके लिए मैंने कम सेंसिटिविटी पे 2 या 3 से सेंसिटिविटी कम करके जो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको या अभी दिखाने वाला हूँ तो वो कम करके दिखाऊंगा, तो आप समझेंगे अगर वो उतना दिखा रहा है, अगर फुल सेंसिटिविटी पे 0.5 फुट का या फिर 0.25 फीट का डेप्थ बढ़ता ही है, 1 फीट के आसपास बढ़ता है, मैं पूरा 1 फीट नहीं बोल रहा आपको, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नोकटा मैक्रो सिंप्लेक्स ऑपरेट करना है, उसको चालू कैसे करना है, थोड़ा सा मेनू भी दिखा देता हूँ ताकि आपको मशीन लेने के बाद समझ में आ जाएगा। पॉज कर, तो ये रहा नोकटा मैक्रो सिंप्लेक्स का डिस्प्ले है, इसको मैं आपको ये दिखाता हूँ नॉर्मली स्टार्ट कैसा होता है मशीन, ये बीच वाला जो बटन है इसमें ये मशीन शुरू हो गया, इसमें आया 2.78, इसमें और 2 वर्जन आते हैं अपग्रेड के लिए, ज़्यादा डेप्थ के लिए आप उसको अपलोड ये करोगे अपडेट करोगे तो वो ज़्यादा डेप्थ देगा आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो मैंने सेंसिटिविटी कम रखा है, ये अगर मैंने बढ़ाया तो देखो ये देखो इस तरह से आवाज़ करता है, क्योंकि चारों साइड में लाइट्स ऑन है, ऊपर फैन है उसके कारण वो थोड़ा ऑन हो रहा है, देखो मैं थोड़ा कम करता हूँ, ये देखो स्मूथ हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है आवाज़ के लिए, देखो ये जो है ना इस पर आपको मशीन का वॉल्यूम का है, उसके बाद में आता है ग्राउंड बैलेंस, इसको इस पर आके ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करके हम पंपिंग करेंगे तो ये मशीन ग्राउंड बैलेंस होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग तो एयर में करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट करने वाले, उसके बाद में ये है नॉच, सॉरी ये आयरन है, आयरन ऑफ, देखो आयरन की अगर आवाज़ आपको नहीं चाहिए, लोहा हमको नहीं चाहिए तो ये लोहा बंद होता है, अभी मैं आपको लोहा अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन ये इस तरह से लोहा बंद होता है, लोहे के ऊपर आवाज़ कम बंद करेगा या फिर कम करेगा।
उसके बाद में आता है ये नॉच फिल्टर, मतलब इसमें जिसको आपको बंद करना है उसको आपको आप उसको बंद कर सकते हो। ये जो ऊपर लाइन दिख रही है उसमें से आप जिस मेटल को बंद करना है, सिर्फ गोल्ड को रखना है तो सिर्फ गोल्ड का रख सकते हो, जिस सिल्वर को रखना है सिल्वर को रख सकते हो। ये 0 to 99 तक डिजिट होता है इसमें, और इसके ऊपर सारा जितना भी मेटल को हमको ये करना है, चॉइस करना है, वो इसके ऊपर सारा खेल होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। और ये मोड दिए गए हैं, देखो ऑल मेटल, फील्ड वन, फील्ड टू, पार्क और बीच, सॉरी बीच और ये नेल, मेरे ख्याल से नेल मोड है, ठीक है। तो ये इसमें ये हो गया, उसके बाद में आया ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। ये कहाँ पे यूज़ होता है ये आपको समझना होगा। अगर आपके डिटेक्टर के साइड में कोई डिटेक्टर होगा या फिर कोई पिन पॉइंटर आप साथ में रख रहे हो, तो उन दोनों का फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से टकराने की वजह से उसमें थोड़ा सा मशीन मिसबिहेव करती है। तो उसके लिए, उसको ऑफ करने के लिए देखो ये F1 F3 इस पर जाएंगे तो आपको आवाज़ कम करेगा, बंद करेगा। उसके बाद में है ये वॉल्यूम का आवाज़ है हेडफोन का। ये वाइब्रेट मोड है, इसमें सिर्फ मशीन वाइब्रेट होएगा आपको ही पता चलेगा, आपके हाथ में होने के बावजूद इधर वाइब्रेट होता है और उसके कारण आपको मालूम पड़ता है क्या है। ये देखो अभी वाइब्रेट, ये देखो आवाज़ थोड़ा सा आपको आया होगा। उसके बाद में ये है, ये जो डिस्प्ले का लाइट है देखो, ये कैसा कम होता है और ये कैसा बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में ये है नीचे पीछे जो टॉर्च लाइट है, LED लाइट है, उसके लिए ये है। ये देखो मैंने चालू कर दिया, शुरू कर दिया, थोड़ा सा उधर दिखाओ, ये नोक्टा मैक्रो जो दिख रहा है ना, नोक्टा मैक्रो आपको वहाँ पे देखो, ये देखो लाइट बंद हो गया, ये दिन में आपको इतना दिखा रहा है उसको, देखो अभी मैं ऑफ़ करता हूँ उसको, तो ये रात को हमको बहुत आसानी से काम करता है हमारे लिए। तो अभी ये रहा मिनरल, ये जो डब्बा दिख रहा है ये बाकी मशीनों में नहीं आता है। जितना हैवी मिनरलाइज, आपको कैसे पता चलेगा, आप कोई भी डिटेक्टर बेचने वाला बोलेगा ज़्यादा मिनरलाइज जगह में अगर मशीन काम नहीं करेगी, लेकिन हमको कैसे हम पता चलेगा कि ये जगह मिनरलाइज नहीं है। तो ये जगह में ये जितना भी हाई मिनरलाइज वैसे भरा दिखेगा डब्बा आपको, छोटा सा जो ब्रैकेट दिख रहा है वो ये है, इसमें डेप्थ दिखाता है। ये देखो मैं अभी सोने का अंगूठी देखो, अभी दूर है तो इस तरह से दिखा रहा है, देखो उसका ये देखो, और मैं नज़दीक जा रहा हूँ, देखो वैसा और कम होता रहा, ऐसा है। ये बैटरी इंडिकेटर है, ये बाकी सब आप जान गए, नॉर्मल एकदम छोटा सा डिस्प्ले है, नया से नया बंदा भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। स्टार्टिंग में मतलब जिस दिन लिया उस दिन 15 मिनट में समझ के आदमी इसको स्टार्ट कर सकता है। दूसरा है इसको, ये टोटल फोल्डेबल है, ये और भी फोल्डिंग हो सकता है इसमें। तो ये हमको मेन दिक्कत यही है कि कहीं भी लेके जाते वक्त मशीन हर बार जोड़ना और ये करना, उसमें दिक्कत होता है हमको। दूसरा एक मुझे आपको ये दिखाना है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा स्विच ऑफ करता हूँ, ये मशीन का देखो इस तरह से लगाया जाता है, ये देखो ये सॉकेट इसमें सही से लगाना है, इसमें एक साइड में देखो खाचा दिया है, ये बराबर उसमें, ये देखो गया, घुस गया, दबाया, अभी ये मैंने इसको टाइट कर दिया। तो इस बात को ध्यान में रखना है, मशीन अच्छे से फिट करना है, ये पूरा तरह से वाटरप्रूफ है, इसके लिए पूरी तरह से अगर पानी में चलाना कहीं पर तो पूरी तरह से टाइट करके उसको फिर मशीन को ऑपरेटिंग करना है। क्योंकि अगर ये होल्डर भी अगर कोई वीक लगाएगा, बराबर लगाएगा नहीं, तो भी मशीन इरिटेट बिहेव कर सकती है, क्योंकि उसके जितने पोल है उसमें एक बॉडी का एक ये रहता है, अर्थिंग रहता है, और एक कॉइल अर्थिंग, ऐसे करके दो वायर अलग से रहती है इसमें, तो वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसके अलावा ये है चार्जिंग के लिए, यहाँ पे चार्जिंग का लगता है, और वो दूसरा कॉर्ड लगता है मोबाइल के, इसमें अपने USB पोर्ट में मोबाइल के लगता है, ये देखो ये उसी में हमारा हेडफोन भी लगता है, और इसमें वायरलेस हेडफोन भी आता है इसमें, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बिना इससे किया उसको पेयर करना होता है और उस तरह से काम होता है। तो दोस्तों अभी मुझे हमने बाकी तो वीडियो अपने देख लिया, तो अभी हम अभी स्टार्ट करते हैं इसको, मैं आपको बड़ी थाली के साथ में आपको इसका एक डेमो दिखाने वाला हूँ इसके साथ में, ठीक है। तो अभी सेंसिटिविटी मैं कम रखूँगा, ये देखो सेंसिटिविटी इतना है जो डायरेक्ट चालू हुआ है आपके सामने मशीन, अभी इसके ऊपर ही मैं आपको थाली घुमा के दिखाऊँगा। अभी ये जो मैंने रखा है, देखो मैंने अभी ये जो रखा है, आ जाओ वहाँ से दोस्तों, ये देखो मैंने ये मशीन रखा है यहाँ पे, मशीन अभी ऑन है, सेंसिटिविटी एक से कम रखा है मैंने, फुल सेंसिटिविटी नहीं रखा है, हम लोग उसी के ऊपर ट्राई करेंगे, क्योंकि इरिटेट कर रहा है साइड का आवाज़, ये ओपन प्लेस में नहीं लगा। तो ये देखो नीचे 1 फीट दिखा रहा है आपको, ये टाइल्स है, ये 2 फीट का ही टाइल्स होता है, तो ये 3 फीट यहाँ पर हो गया, 4 फीट और 5 फीट। तो हम लोग अभी घर पर देख रहे हैं, अगर फुल सेंसिटिविटी करेंगे और बड़ा का ऑब्जेक्ट लेंगे तो और दूर से भी दिखाएगा, लेकिन हमको नॉर्मली 5 फीट किसी भी सफिशियंट होता है, इसके लिए भी फिलहाल 5 फीट का दिखाता हूँ मैं आपको डेप। तो मैंने एक से सेंसिटिविटी कम रखा है, अगर पूरा करेंगे तो 5 से ऊपर भी दिखाएगा। तो मैंने ये ट्राई करके देखा थी, एक बार आपको वापस दिखा देता हूँ, ये देखो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, ये देखो 1 फीट, ये देखो 2 फीट का आया,
नीचे 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 साफ आवाज, क्लियर आवाज दे रहा है 3 फीट पे, 3.5 फीट हो जाएगा अभी। देखो आवाज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, 4 फीट पे आ गया। ये देखो थोड़ा कम हो गया आवाज। ये 5 फीट लास्ट जो मैंने लिखा है, देखो हल्का सा आवाज आ रहा है, जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा उतना हल्का हल्का आवाज होगा, ताकि फ्रिक्वेंसी वहां तक पहुंच के उसको रिटर्न जाना, वहां पे उसको रिसीवर वापस कैच करेगा। अभी थोड़ा आगे देखते हैं और कितना देखेगा। देखो आवाज तो फिर भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना हल्का आवाज है, 5-5 फीट तक ये मशीन। ये देखो जैसे मल्टी आएंगे, ये देखो बहुत हल्का आवाज आ रहा है दोस्तों। अगर ओपन ग्राउंड होता तो आपको सब बराबर समझ में आता था। ये देखो तो 5 फीट तक ये पूरा मशीन दिखा रहा है हमको।